ऐसी कौन सी दवाई है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? वाइग्रा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ फ्रंट इफेक्ट होता है। अरे यार, इमोशनल क्यों हो रहा है? बाकी पेपर अच्छा जाएंगे। यार रो रो कर पढ़ाई की थी, तू कभी किसी चीज के लिए इतना इमोशनल होता तो तुझे पता चलता। कभी हुआ है इतना इमोशनल? हाँ, एक बार हुआ था। मैं मेरे दोस्त के घर से खाना खा रहा था तो उसे उसकी बीवी ने मुर्गी की टांग उठा के दी, तो मैं इमोशनल हो गया और बोला मेरी भी एक दिन शादी होगी और मेरी भी पत्नी मुझे टांग उठा उठा के देगी। ये हटा, ये बता कैसे छूट गया तेरा इतना सारा क्वेश्चन? अरे यार, इतना सारा लिखना था, आंसर भी नहीं आते थे, और लिखता हूँ तो मेरे हाथ बहुत दुखते हैं। भाई पहले से प्रैक्टिस करना होता है, शुरू में दिक्कत आती है किसी भी काम में, लेकिन बाद में वो एकदम इजी हो जाता है। देख, जैसे कि जब मेरी सुहागरात हुई थी तो मैं एकदम पसीना पसीना हो गया था, तो मुझे लगा कि ये एक आदमी का काम नहीं है। फिर मैं करता गया और इजी हो गया। वैसे तुझे कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, क्वेश्चन पेपर देख के बता दो, मैं आंसर बताता हूँ। एक क्वेश्चन था कि लड़कियों के यूरिन में लड़कों के यूरिन से ज्यादा बदबू क्यों आती है? क्योंकि लड़कियों में लड़कों की तरह दो फिनाइल की गोलियां नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन बोल। ऐसी कौन सी दवाई है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? वाइग्रा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ फ्रंट इफेक्ट होता है। दूसरा बोल। एक और क्वेश्चन था, दूध देने के बाद भैंस नर्वस क्यों हो जाती है? अरे यार, कैसा क्वेश्चन है ये, भैंस कैसे नर्वस होगी? अरे ठीक है क्वेश्चन, अब तू ही बता, किसी के बुक्स को इतनी देर प्रेस करेगा और बिना कुछ करे चला जाएगा तो कोई कैसे नर्वस नहीं होगा? इतना इजी क्वेश्चन तो था, और नहीं पता था तो बगल वाले से पूछ लेते। अरे वो टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, एकदम गुस्सेल है। कितना गुस्से वाला? अरे वो सर सॉफ्ट है तो बहुत सॉफ्ट है, पर हार्ड है तो बहुत हार्ड है। बिल्कुल मेरे लंड के जैसा। वैसे कौन से टीचर है वो? अरे वो एक NRI है, वो इंडिया में बस घूमने आया था, तो उसने टपरी पे चाय मांगी, तो एक आदमी ने उसे चाय में उंगली डुबो कर चाय दी, तो उसने कहा तुम लोग कब सुधरोगे, चाय इस तरह पकड़ता है कोई? तो आदमी बोला कि साहब उंगली में दर्द है, डॉक्टर ने सेकने के लिए बोला है। तो NRI सर गुस्से से बोले तुम मादरचोद, अपनी उंगली अपने गाल में क्यों नहीं रखी, वहाँ सबसे ज्यादा सीखता है। तो वो आदमी बोला साहब वहीं पर रखी थी, आपने चाय मांगी तो निकालनी पड़ी। तो ये सब देखने के बाद NRI सर यहीं रुक गए, ताकि यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके। और वैसे तू कहाँ था? तू मेरी स्टडी में हेल्प करने वाला था ना? अबे वो बगल वाले है ना अहमद भाई, उनका बच्चा हुआ है तो उसका खतना कराने डॉक्टर के पास ले गए थे, तो डॉक्टर ने कहा इसके 200 रुपये लगेंगे। मैं बोला डॉक्टर साहब इतने से काम के लिए 200 लगेंगे? तो डॉक्टर बोला मैं 500 देता हूँ, बस मेरा अपने हाथ में पकड़ लेना। ये वही अहमद है ना जिसके अबू 70 साल के हैं, और जिनके बारे में अफवाह फैली है कि वो 1 घंटे 40 मिनट 15 सेकंड तक सेक्स कर सकते हैं। हाँ वही है, लेकिन यार वो इतना लंबे टाइम तक कैसे कर सकते हैं? 40 मिनट खड़ा करने में, 15 सेकंड धक्का मारने में, और 1 घंटा बुढ़े को होश में आने में, और हाँ खतना कराने के साथ साथ उस बुढ़े को मिले गए थे उनका चेकअप कराने, तो डॉक्टर ने बोला अब इनकी दोनों गोलियां निकलवा दो। क्यों? जब बंदूक ही नहीं चलता तो गोलियां किस काम की? अच्छा तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? मुझे जरूरत है। हाँ है, 800 रुपये। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे वो खतना कराने गया था ना तो वो लोग तो चल गए, लेकिन मुझे कुछ काम था तो मैं रुक गया। तो एक आदमी एकदम हाँफते हुए आया और डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मेरी बीवी रोज दारू पी के रज्जो बार जाती है, और जो बोलता है उसके साथ सो जाती है, तो उसकी शरार छुड़ानी है। तो डॉक्टर बोले गहरी सांस लो,
शांत हो जाओ और ये बताओ ये रज्जोवार कहाँ पर है। तो फिर वो डॉक्टर मुझे बोला भाई थोड़ी देर संभाल लेना, मैं रज्जोवार जा रहा हूँ। तो वो चला गया। तो इतने में एक आदमी आया और मुझे डॉक्टर समझ के बोला कि डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं जब सोता हूँ तो सांस को नहीं ले पाता। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार सोते टाइम सांस को मत लेना, साली को ले लेना। और उस आदमी के जाने के बाद एक कालगल भी इलाज कराने आई थी, वो कालगल मुझे बोली डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। तो मैंने कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ लिख के दी और बोला देखो आपको आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए आज 3 दिन बिस्तर से दूर रहना। और हाँ, आज भी कई लोग आए जिनका मैंने इलाज किया और दवाई ववाई दी। लेकिन तूने इलाज करना कहाँ से सीखा? अरे मेरे दादाजी जो थे ना वो डॉक्टर थे। एक बार एक महिला आई और उसने अपने कपड़े उतारे फिर ब्रा उतारे, तो ये देखकर मेरे दादाजी बोले ये क्या मजाक है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। तो महिला बोली हाँ हाँ मुझे पता है आप डेंटिस्ट हो और मैं भी दांत निकलवाने आए हूँ, मेरे निप्पल में फंसा है। फिर उसके बाद दादाजी ने सभी तरह की इलाज करना चालू कर दिया। एक बार मुझे याद है जब मैं दादाजी के साथ था तो एक लड़की इलाज कराने आई, उसके होंठ एकदम फटे हुए थे। उसे देखकर दादाजी ने बोला आपके होंठ कैसे फट गए? तो उस लड़की ने बोला किस कर रही थी तो फट गए। तो दादाजी ने बोला किस करने से इतनी बुरी तरीके से नहीं फटता? तो उस लड़की ने बोला जब मैं किस कर रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने अपनी जीभ बंद कर ली तो मेरा होंठ फंस गया और फट गया। उसके बाद एक और आदमी आया और उसने दादाजी को बोला डॉक्टर साहब मेरा लंड खड़ा नहीं होता। फिर दादाजी ने अपनी नर्स को बुलाया और उसके कपड़े उतरवाए और उसकी ब्रा उतरवाए और उस आदमी से पूछा अब खड़ा हुआ? तो आदमी ने बोला नहीं नहीं हुआ। तो फिर दादाजी ने उस नर्स के पैंटी उतरवाई और उस आदमी से पूछा अब खड़ा हुआ? तो आदमी बोला नहीं हुआ। तो दादाजी ने उस नर्स से बोला तुम अंदर जाओ मेरा खड़ा हो गया है। तो मैंने दादाजी से कुछ कुछ सीख लिया था और उसी चैलेंज से मैंने पैसे कमाए। हेलो हेलो, मैं इस ब्लॉक का इंस्पेक्टर एसके पाटले बोल रहा हूँ जी। आपने जिन जिन मरीजों को मेडिसिन दिया था वो सभी मर गए हैं। आपको आधा घंटा दिया जाता है, थाना पहुँचे जल्दी से। भाई 800 रुपये दे के जाना। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।